नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी तीन रानियां और चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है आपने मुझे दो वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा, मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो भैया, जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माता, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। हे मुनिवर, दीक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना आदर, घर के द्वार से ही दीक्षा देकर भेजना चाहती हो? जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी दीक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान एक दूसरे पर चढ़ाई करते और राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम विजयी हुए। अजीत बिहारी सिया राम मई सब जग जानी, करु प्रणाम जोरी जुगतानी। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकल। तो देखा आप सबने किस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। रामायण से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान राम की शिक्षाएं व्यक्ति को सफल होने में प्रेरित करती है। हमें भगवान राम की निम्न शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने नियमों और नीतियों को भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति
जो व्यक्ति सुख एवं दुख में संयम और धैर्य बनाए रखे वो विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण भी बन सकता है। प्रेम और दया ऐसे गुण हैं जो सभी को अपना बना लेते हैं। परिवार में एकता बनाए, परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का साथ दे तो हर परेशानी का मुकाबला करना आसान हो जाता है। माता पिता की आज्ञा का करे पालन। संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे और उनकी बात माने। एकता में शक्ति। यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। जैसे श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण को हराया। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव एवं आदर्शों से पता चलता है कि हमें कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं। बुराई पर अच्छाई, धर्म पर अधर्म, अन्याय पर न्याय, पराजय पर विजय का आज अयोध्या में प्रारंभ होने वाला मंदिर ही प्रतीक है। जय श्री राम।